आज हम समय शिखर में हैं। दुनिया में आप जहां भी जाएंगे ना सर, आपको एक भगवान का निर्वाण स्थल मिलेगा, दो भगवान का निर्वाण स्थल मिलेगा, पर अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, तो यह पुण्य भूमि है सर, समय शिखर। और जहां हम खड़े हैं वो है पार्श्वनाथ भगवान का जल मंदिर, जो भगवान महावीर से 250 साल पहले हुए। मैं आज भगवान पार्श्वनाथ की एक ऐसी चमत्कारी कहानी बता रहा हूँ। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, आप सोचिए सर, वहाँ पे सिरपुर गांव माव में एक बहुत बड़े वहाँ पे व्यापारी है ज्वेलर के। उस जमाने में क्या होता था, आज कई साल पहले की बात है, बम्बई से एक एस कुमार ज्वेलर्स वाले आते थे। एक दिन वो सुबह सुबह, ठंड का समय था और बारिश, सुबह सुबह 10 बजे वो बस से उतरे और अपने जो व्यापारी नरेंद्र भाई के पास पहुंचे ना, तो वो हक्का बक्का हुए हुए थे। तो उनको जब पूछा गया क्या तकलीफ हुई, आपको तकलीफ क्या हुई, बोले सर मैं तो लूट गया। बोले हुआ क्या, बोले मैं बस से उतर रहा था, मेरा बैग था, उस जमाने में उसमें 25,000 रुपया कैश था, पर सबसे बड़ी बात लाखों का नगद लेन देन का हिसाब की ये किताब थी, जिसकी उस जमाने में फोटोस्टेट होती नहीं थी, तो दूसरी मेरे पास कोई कॉपी नहीं है, और पूरा का पूरा कोई चोर मेरे हाथ से खिसका के ले गया। अब नगेंद्र भाई ने बोला, भाई ये तो बड़ी तकलीफ वाली काम है। तो उन्होंने बोला चलिए यहाँ अपने पुलिस में FIR लिखाते, पर उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान के वहाँ चल के आपको दीप और पूजन आपका करवा देते हो। पहले पार्श्वनाथ भगवान के वहाँ गए, दीप और पूजन किया, और आप सुन के सर ताजुब करेंगे, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, उसके बाद गए पुलिस वालों के पास। पुलिस वालों ने बोले भाई चोर कैसा था, वो कैसा था। उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं देखा, हमने तो सिर्फ इतना देखा कि मेरा बैग कैसा था, वो कैसे लेके गया, मुझे कुछ भी मालूम। ठीक है, वो नगेंद्र भाई का थोड़ा जान पहचान पुलिस में था, पुलिस ने भी सोचा कि मुझे कार्रवाई। उनके पिताजी रविंद्र भाई उस समय जिंदा थे, और रविंद्र भाई उस समय उस एरिया में जाना माना नाम था। आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, अब ये एस कुमार ज्वेलर्स की तो हालत बड़ी खराब के, मेरा लाखों रुपये का लेन देन है, लोगों में मैं लाखों रुपये मांगता हूँ और मेरे पास कोई हिसाब है नहीं। एक घंटे के बाद पुलिस वालों का फोन आता है कि सर आपका बैग मिला है, आप आके चेक कीजिए, बैग जला हुआ है, पर उसमें से पैसे, बोले पैसे गायब हो गए, चले गए, मेरी तो मुझे किताब मिलनी चाहिए। और आप सुन के ताज्जुब करेंगे सर, वो आधे घंटे के बाद जब मिला तो उसमें से वो पूरी की पूरी किताब एज इट इज मिल गई। और आप सुन के बड़ी ताज्जुब करेंगे, जैसे ही उन्होंने सुना ना, उन्होंने बोला रविंद्र भाई मुझे पार्श्वनाथ भगवान का ऋण चुकाना है, इन्होंने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। तो आज भी जो आप जाते हो तो वो जो चांदी का मुकुट भगवान का चढ़ाया हुआ है ना, वो एस कुमार ज्वेलर्स का चढ़ाया हुआ है। तो साहब ये जो जगह है ना सर, जब भी आप पार्श्वनाथ के वहां जाते हैं ना, आपके मन की जो भी मन्नतें हैं ना सर, सब पूरी करता है ये पार्श्वनाथ। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।